Try this question. A class contains three girls and four boys. Now, every Saturday, five go on a picnic. A different group of students is being sent each week. During the picnic, Each girl in the group is given a doll by a company teacher. All possible groups of five have gone once. Find total number of dolls the girl have got. Now yahan pe ye nahi kaha hua hai ki कितने girls हैं कितने boys picnic में जाएंगे सिर्फ ये कहा गया है कि five students uh, are going to picnic. Now uh, किस uh, जितने गर्ल्स जाएंगे पिकनिक में ठीक है उन हर एक गर्ल को एक एक डॉल दिया जाएगा हमें निकालना है हाउ मेनी डॉल्स आर गिवन टू गर्ल्स अब uh, uh, यहां पे फाइव स्टूडेंट्स जब जा रहे हैं पिकनिक पे तो गर्ल्स मिनिमम कितने हो सकते हैं वन ओके okay. वैसे यहाँ पे जीरो गर्ल्स तो नहीं हो सकता वरना फोर बॉयज पिकनिक में जाएंगे पर हमें कहा गया है कि फाइव स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अ पिकनिक सो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से होंगे आइदर वन गर्ल और टू गर्ल्स और थ्री गर्ल्स ठीक है वेन देर इज वन गर्ल देन हाउ मेनी बॉयज विल बी देर इन द ग्रुप फोर जब टू गर्ल्स जाएंगे तब 3 boys and when 3 girls there are 2 boys. Now uh, when there is 1 girl and 4 boys how many such groups can be formed? Uh, 1 girl can be selected from 3 in how many ways? 3C1 and 4 boys out of 4 boys we can select 4C4 four four ways. So this is uh, 3. इसका मतलब क्या हुआ देर आर थ्री ग्रुप्स इन विच देर इज वन गर्ल एंड फोर बॉयज ऐसे तीन ग्रुप होंगे और इन तीन ग्रुप में से हर एक ग्रुप में कितनी गर्ल होंगी वन गर्ल तो यहाँ पे हमें कितने डॉस देने पड़ेंगे? हर एक ग्रुप के लिए एक डॉ तो तीन ग्रुप के लिए कितने डॉस हो जाएंगे दैट इज थ्री मल्टीप्लाई बाय वन एंड दैट इज थ्री नाउ लेट्स काउंट Number of uh, gr different groups we, we can form from two girls and three boys. We can select two girls from three in how many ways? 3C two ways and three girls, uh, three boys from four boys that is 4C three ways. Now this is 3 multiplied by 4 that is 12. Okay, now there are 12 uh, such different groups and in each group uh, there is देहरा टू गर्ल्स ठीक है हर एक ग्रुप में कितने गर्ल्स हैं टू गर्ल्स तो हमें एक ग्रुप के लिए कितने डोज देने पड़ेंगे टू डॉस है ना जो दो गर्ल्स आएंगे वो दोनों गर्ल्स को एक एक डॉ इसका मतलब हर एक ग्रुप के लिए हमें दो डॉज चाहिए अब ऐसे ट्वेल्व ग्रुप्स हैं तो कितने डॉज देने पड़ेंगे ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज ट्वेंटी फोर नाउ थ्री गर्ल्स एंड टू बॉयस न हैव सिलेक्शन इन दिस वे थ्री सी थ्री मल्टीप्लाय बाय फोर सी टू एंड दैट इज सिक्स अब ये जो सिक्स ग्रुप्स हैं है ना उस उसमें से हर एक ग्रुप में कितने गर्ल्स होंगे थ्री गर्ल्स ठीक है देन हाउ मेनी डॉस विल बी गिवन फॉर ईच ग्रुप देर आर थ्री डॉस देन फॉर सिक्स ग्रुप्स वी हैव सिक्स मल्टीप्लाय बाय थ्री दैट इज एटीन डॉस टोटल नंबर ऑफ डॉल्स आर 45. ये जो किए उसमें हर एक गर्ल को एक से ज्यादा डॉल्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आ, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा किसी भी गर्ल को तो हम कह सकते हैं कि हर एक गर्ल को कितने कितने डॉल्स मिलेंगे 15 डॉल्स मिल जाएंगे है ना देर आर थ्री गर्ल्स एंड वी आर गिविंग

एट uh, स्क्वायर्स में प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी रो जो है वो एम नहीं होना चाहिए ओके okay, uh, हम अगर एक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कोई इस तरह से प्लेस कर सकता है ठीक है बट कैन वी प्लेस एक्स लाइक दिस नो अदरवाइज दिस रो इज एम टी ऑल्सो वी कैन नॉट हैव एक्स लाइक दिस अदरवाइज फर्स्ट रो इज एम टी है ना हर एक रो में एटलीस्ट कितना एक्स होना चाहिए वन देन व्हाट कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस इन डिफरेंट रोज फर्स्ट रो में वन एक्स ठीक है वी कैन नॉट हैव हैव बिकॉज़ वी टोटल नंबर ऑफ एक्स आर सिक्स फर्स्ट रो में वन होगा तो हम यहाँ पे uh, कितने ले सकते हैं मिनिमम यहां पे वन इन लास्ट रो दे पे कितने एक्स आएंगे फोर टोटल आर सिक्स वी है मिडल रो देर विल बी थ्री एक्स और इन थ्री स्क्वास वी विल पुट एक्स इन द मिडल रो वॉट नेक्स्ट आपने यहां पर फर्स्ट रो में वन लिया उसके केसेज लिये ठीक है तो फर्स्ट रो में अब हम क्या लेंगे टू लेंगे और इनके केसेस ले लेते हैं फर्स्ट रो में टू एक्स देन लास्ट रो में क्या लेंगे वन तो मिडल रो में कितने हो जाएंगे थ्री व्हाट इज नेक्स्ट फर्स्ट रो टू लास्ट रो टू एंड द मिडल रो इज आल्सो टू नाउ फॉर दिस सिचुएशन वी हैव टू पुट वन क्रॉस इन first row but in first row there are two squares it means we have to select one square uh, uh, in which we will put square how we can select uh, one square uh, from uh, this two squares that is 2c1 how we can select uh, uh, two square from uh, 1 square from this uh, row 3 that is again 2c1 and we have to select 4 from the uh, 4 uh, squares in the middle row that is 4c4. Okay, similarly for next case, uh, selection will be 2c1 from first row, 4c3 from second row, and 2c2 from third row. For this case, uh, 2c2 from first row, 4c3 from second row, and 2c1 from third row, and for last, we have 2c2, 4c2 multiply by 2c2 now this value is 2 multiply by 2 multiply by 1 that is 4 here it is 2 multiply by 4 multiply by 1 that is 8 this is 4 multiply by 2 again 8 and this is 4c2 uh, uh, multiply by 1 that is 6 so there are total 26 ways of selection तो अभी आपने सिर्फ क्या किया हुआ है नंबर ऑफ वे से आपने ये सिलेक्ट किया है देर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ वेस ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ वे सपोज अब आपने दिस प्लेस दिस फोर प्लेसेस एंड दिस प्लेस सिलेक्ट किए ठीक है अब इन प्लेसेस पे हमें क्या प्लेस करना है एक्स ठीक है तो हाउ मेनी वेज यू कैन पुट दिस सिक्स एक्सेस इन दिस सिक्स प्लेसेस दैट इज ओनली वन वे पे अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि हमें हर प्लेस में क्या रखना है एक्स रखना है तो अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन द गिवन प्लेसेस इज वन आंसर क्या आएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय अब कोई भी सिक्स सिलेक्ट करोगे उसमें एक्स रखने का नंबर ऑफ एस क्या होगा वन तो टोटल आंसर क्या हो गया ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय इज

Now, जब इस तरह का अरेंजमेंट करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा ए एन बी के बीच में दो पर्सन को अरेंज होना है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या एस होगा कि जो ये जो रिमेनिंग सिक्स पर्सनस है ठीक है इन सिक्स पर्सन में पर्सन में से कौन से दो पर्सन ए एन बी के बीच में आएंगे है ना ये जो दो पर्सन ए एन बी के बीच में आएंगे वो ये दो भी हो सकते हैं ये दो भी हो सकते हैं मतलब इन सिक्स में से कोई भी दो वो हो सकते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आ, आ, हम यहां जो सिक्स पर्सन हैं उसमें से किसी भी दो को सिलेक्ट करेंगे सो हाउ मेनी वे यू कैन सिलेक्ट टू आउट ऑफ दिस दैट इज सिक्स सी टू वेस ओके अब आपने दो पर्सन को सिलेक्ट कर लिया ए एंड बी के बीच में जो अरेंज होंगे अब हम क्या करेंगे इसको एक ग्रुप बना लेंगे ठीक है ताकि ये दो पर्सन जो हैं, वो हमेशा ए एंड बी के बीच में ही रहे तो एक ये ग्रुप होगा और उसके अलावा क्या होंगे फोर मोर पर्सन अब हम इनको अरेंज करेंगे जिसमें फोर पर्सनस हैं और एक ग्रुप है

और ये जो दो पर्सन हैं वो यहाँ पे आ गए पर हमें ये दो पर्सन हमेशा कहाँ पे चाहिए ए एन बी के बीच में तो ग्रुप के अंदर का अरेजमेंट क्या होगा ग्रुप के अंदर ए एन बी आपस में इंटरचेंज करेंगे अपना पोजिशंस एंड ये दो पर्सनस भी आपस में चेंज करेंगे अपना पोजिशंस नाउ इन साइड ग्रुप देर विल बी अरेजमेंट्स विच इज टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल ओके

शॉप है एक शोरूम है वहां पे एक स्कीम चल रहा है कि एक बॉक्स में फोर पेयर ऑफ शूज रखे हुए हैं, ठीक है और आपको कहा जाता है कि आप इसमें हाथ डाल के फोर शूज सिलेक्ट करो और अगर इन फोर शूज में से अगर एक भी पेयर आ जाता है तो वो आपको फ्री में मिल जाएगा और अगर आपका लक बहुत ही खराब है ठीक है तो डेफिनेटली आपके जो हाथ में फोर शूज आएंगे वो कहाँ से आएंगे डिफरेंट पेयर से आएंगे आपको फिर एक भी पेयर ऑफ शूज फ्री नहीं मिलेगा अब फोर शूज हैं और आपको uh, four pair of shoes हैं और आपको फोर शूज सिलेक्ट करने हैं ठीक है तो uh, अगर आपको कोई भी पेयर ऑफ शूज नहीं मिल रहा इसका मतलब हर एक पेयर ऑफ शूज में से uh, क्या आएगा एक एक शू आएगा ठीक है तो हम ये जो फोर पेयर ऑफ शूज है हम उसको लिख लेते हैं एल वन आर वन मतलब ये फर्स्ट पेयर ऑफ शूज का लेफ्ट एंड राइट फॉर सेकंड पेयर ऑफ शूज वी हैव एल थ्री आर थ्री एल फोर आर फोर अब आपको फोर शूज सिलेक्ट करने हैं और एक भी पेयर नहीं आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ फ्रॉम दिस पेयर वी मस्ट हैव वन शू उ मेनी शूज इन वन पेर टू वन लेफ्ट एंड वन राइट तो इन दोनों में से कोई एक आएगा तो हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट टू वे और टू सी वन ठीक है विच इज टू सिमिलरली यहां से भी कोई भी आ सकता है इधर लेफ्ट और राइट तो यहां पर भी कितने ऑप्शन है टू ऑप्शन फ्रॉम हियर अगेन टू ऑप्शन एंड टू ऑप्शन फ्रॉम द फोर्थ पेर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाय बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज सिक्सटीन कोई इसको इस तरह से भी कर सकता है कि लेफ्ट एंड राइट शूज के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम सिलेक्ट करते हैं अगर हम फोर शूज सिलेक्ट करते हैं और कोई भी पेयर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि चारों के चार शूज जो है वो कौन से हों लेफ्ट हाउ यू सिलेक्ट फोर लेफ्ट आउट ऑफ फोर लेफ्ट दैट इज फोर सी फोर एंड जीरो राइट फ्रॉम फोर दैट इज फोर सी जीरो फर्दर वी कैन हैव थ्री लेफ्ट शूज एंड वन राइट शूज न हाउ यू सिलेक्ट थ्री लेफ्ट फ्रॉम फोर लेफ्ट दैट इज फोर सी थ्री

राइट right शू क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है वन सी वन वैल्यू इज वन सो आफ्टर सिलेक्टिंग लेफ्ट शूज वी हैव ऑनली वन ऑप्शन फॉर राइट शूज नाउ सिलेक्ट टू लेफ्ट शूज हाउ यू सिलेक्ट टू आउट ऑफ फोर फोर सी टू अगर आपने uh, ये दो लेफ्ट शूज सिलेक्ट कर लिए तो डेफिनेटली जो राइट right शूज होंगे वो कहां से आएंगे इन दोनों पेयर में से R3 थ्री एंड आर तो यहां से भी नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा वन देन वी हैव वन ले राइट तो थ्री राइट right के लिए फिर से यहाँ पे क्या आएगा एक ही ऑप्शन सपोज हम L4 फोर सिलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग थ्री राइट शूज होंगे वो R1 वन आर टू एंड आर थ्री होंगे देन वी हैव जीरो लेफ्ट दैट इज फोर सी जीरो तो बाकी के चारों चार क्या होंगे राइट शूज तो उसके नंबर ऑबियस भी क्या होंगे वन सो आंसर दैट मल्टीप्लाई बाय वन प्लस फोर सी वन मल्टीप्लाई बाय टू फोर सी फोर मल्टीप्लाई बाय बायस इज फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन प्लस फोर सी टू अपू फोर सी फोर एंड वट इज टू पावर फोर दैट इज सिक्सटीन बट दिस मेथड इज प्रफरेबल ठीक है इससे क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है फर्स्ट uh, मेथड से ट्राई दिस क्वेश्चन सिलेक्टिंग फोर शूज फ्रॉम सिक्स पेयर ऑफ शूज इफ नो पेयर इज सिलेक्टेड ओके अब यहां पे नंबर ऑफ पेयर ज्यादा है ठीक है नाउ वी हैव टू सिलेक्ट फोर शूज अब ऐसा तो नहीं होगा कि हरेक पेयर से एक एक शू आएगा अदरवाइज टोटल कितने शूज सिलेक्ट हो जाएंगे सिक्स वी हैव टू सिलेक्ट ओनली फोर बट नंबर ऑफ पेयर आर सिक्स ऑब्वियसली हरेक पेयर में से क्या आएगा एक एक शू आएगा हो सकता है कि फर्स्ट फोर पेयर्स में से हरेक पेयर में से एक एक शू आ जाए ठीक है अब जो ये फोर पेयर्स हैं जहां से एक एक शू आ रहा है वो या तो ये फर्स्ट फोर पेयर्स होंगे या फिर कौन से हो सकते हैं वी हैव वी कैन हैव फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इसका मतलब क्या हुआ जो फोर पेयर ऑफ शूज में से एक एक शू आएगा वो इन सिक्स में से कोई भी फोर पेयर्स हो सकते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए

Uh, जैसे अगर फर्स्ट फोर पेयर्स हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए uh, कितने वेस हो जाएंगे टू पावर फोर अगर हम पेयर सिलेक्ट करते हैं एल्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स इसके लिए भी क्या हो जाएगा टू पावर फोर इफ यू सिलेक्ट पेयर्स वन थ्री फाइव सिक्स अगेन वी हैव टू पावर फोर तो इस तरह से टू पावर फोर कितनी बार आएगा फिफ्टीन टाइम्स आएगा बिकॉज वी कैन सिलेक्ट फोर आउट ऑफ सिक्स इन हाउ मेनी वेस फिफ्टीन वे तो आंसर इज फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय टू पावर फोर